नमस्कार मध्यान ओडिशा को स्वागत करुछे मितिस्मृति। सामाजिक अर्थनैतिक परिवर्तन रे विश्वविद्यालय भूमिका रही तेणु चाकरी न खोजी निजुक्तिदाता हेबाकु छात्र छात्री को आह्वान देइछंती उपराष्ट्रपति। उत्कल विश्वविद्यालय समावर्तन रे दीक्षांत अभिभाषण दे एहा कहिछंती उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। सेहिपरि विपर्जय परिचालना को पाठ्यक्रम रे शामिल करबाकु उत्कल विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष को परामर्श देइछंती राष्ट्रपति। विद्यार्थी मानकु उपराष्ट्रपति कहिछंती जे साधुता और कठिन परिश्रम हेउछि सफलतार चाबिकाठी। शिक्षार्थी माने समाज को क्षुधा रोग और अज्ञातरु मुक्ति दियंतु। भविष्य को नुआ रूप देबा पई व्यवस्थार अंशीदार हुंतु। एहा सह श्रृंखला उत्सर्ग और एकाग्रतार सह आगेबाकु युव समाज को उपराष्ट्रपति आह्वान देइछंती। प्रकृति और संस्कृति सुरक्षा सह भविष्य गठन पई से परामर्श देइछंती। समावर्तन उत्सव मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ओडिया दीक्षांत भाषण आरंभ करथिले। छात्र छात्री को परिवर्तन पई आह्वान को स्वीकार करने को परामर्श देइछंती उपराष्ट्रपति। कलिंगर गौरवमय इतिहास को मन पकाई उपराष्ट्रपति कहिथिले कि जाभा सुमात्रा भली द्वीप को जाई ओडिया पुआ व्यवसाय करुथिले तेणु एथिरु छात्र छात्री माने अनुप्राणित हेबा दरकार। सेहिपरि कालिदास को रघुवंश रे कलिंगर वर्णना थिबा कहिथिले वेंकैया। कोविड गाइडलाइन भितर आयोजित तो है उत्कल विश्वविद्यालय 50तम समावर्तन उत्सव। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जोग देते उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। कोरोना को दृष्टि रखी मात्र 200 लोक विश्वविद्यालय कन्वोकेशन हल रे अनुष्ठित होता समावर्तन उत्सव। समावर्तन उत्सव अवसर में हाइकोर्टर विचारपति जस्टिस संजू पंडा LLD प्रदान कर सहीपरि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू और बार्क निर्देशक प्रोफेसर अजित महांती को डिलीट प्रदान करा जाय छी। बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट टू प्रेजेंट फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज रीच इंस्पायर्ड। यही सुंदर मंदिर मालिनी सहर भुवनेश्वर रे दिबा उत्कल विश्वविद्यालय 50तम समावर्तन समारोह अवसर रे उपस्थिति हो मु अत्यंत आनंदित। समस्त छात्र छात्री मानको मोर अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आई एम ग्लैड टू नो दैट उत्कल यूनिवर्सिटी इज द मदर यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा एंड द 17th यूनिवर्सिटी ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया विद इट्स 27 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स 8 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस and an international cell, the university is truly educational lodestone of Odisha. I compliment Utkal University on being accredited with A+ grade by the National Assessment and Accreditation Council, NACC, in India in 2016. That itself is a reflection of its high educational standards and its uncompromising adherence to excellence. My dear students, needless to say, the day of convocation marks an important day in our lives. Yet, this milestone is the beginning of our journey. To get to this point was an important achievement in itself, to which I commend you. The personal competencies that you got here, passion, perseverance, and tenacity, an open mind to learn, will be important to you throughout your lives. Nurture them. These attributes will guide you throughout your lives. चिंता बढ़ाइलाणी संक्रमण राज्य रे दिन करे आउ 452 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती। एहा मध्ये रे संगरोध केंद्र रु 267 एवं लोकल केस 185 जण आक्रांत थिबा सूचना मिलिछि। खोर्धार सर्वाधिक 77 पॉजिटिव केस सामना को आसीछि। सेहिपरि सुंदरगढ़ रु 75 नुआपड़ा रु 71 आक्रांत चिन्हट होइछंती। कलाहांडी 29 कटक 26 बरगढ़ 19 आक्रांत चिन्हट होता बेले झारसुगुड़ 17 बलांगीर 15 गंजामु 13 पॉजिटिव चिन्हट होती। दिनक दिन जो भाई कोरोना आक्रांतों संख्या बढ़ी चली चिंताजनक। एने मास्क और सामाजिक दूरता बजाय रखा दिगरे गुरुत्व देउछे प्रशासन। लोके सचेतन नहले आगामी दिन में कड़ाकड़ी होपे कटक।
संपर्क अधिक आलोचना पाई वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर हरीश चौधरी फोनलाइन जोड़ी होती। डाक्टर चौधरी आपको स्वागत करने को चाहिए। डाक्टर चौधरी, देश में कोरोनार संक्रमण भय बढ़ाता बेले आम राज्य स्थिति कथ जी कह राज्य पांचशह निकटतर कोरोना ग्राफ ए स्थित को देखुं हठात संक्रमण वृद्धि कारण कौन हो पाए? निश्चित भाव संक्रमण सारा भारत में बढ़ुची एवं अलग राज्य जदि आम देखा पांच छोटी राज्य में चिंताजनक विषय पहुंचला कोरोना संक्रमण ओडिशारे आम जदि मसे भितर अवस्था को देखा मसे तले जहां अवस्था थी आज तुलन में निश्चित भाव संक्रमण हार अधिका अच्छी आम रेलवे स्टेशन रे हूँ कि एयरपोर्ट रे हूँ कि बाहर जो मैंने बाहर राज्य फेर से क्वारंटाइन व्यवस्था करने आह्वान अधिक टीकाकरण प्रक्रिया रे साधारण वर्ग लोक सामिल होगा दरकार एवं सचेतनता अधिक आवश्यकता रही समय। डॉक्टर चौधरी, वर्तमान स्थिति को यदि देखिबा ताहले केउ प्रकार सतर्कता अवलंबन करबा उचित? तो कहबी जो माने बाहर राज्य को जाईथिले फरुचंती सामान्य रो सामान्यतम लक्षण देखा गले तुरंत डाक्टरंगर परामर्श करबा निहाते आवश्यक। मु देखुती गुटे उदाहरण देबा को चाहिबी अनेक लोकंगर गत वर्ष भली जे मानसिकता रहुती जे मोर बेसी जरो नाही अल्प टिके जरो आछी मु कोन परीक्षा करिया दरकार मेडिसिन खाई दबा देखिबा निहाती दरकार हले सप्ताह परे परीक्षा करिया एभली मानसिकता किसी लोकों भितर रहुछि जोंति पई सेमानंकर निमोनिया हाई बॉडी रो ऑक्सीजन कमिया पर्यंत अवस्था आछि एवं शेष पर्याय रे सेमानंकर कोरोना डिटेक्ट होउछि सेतेबेले को सेमाने ऑलरेडी तांको पारिपार्श्विक परिस्थिति विभिन्न लोक तांको घरे रहुतिबा लोक समस्त को हुए तो संक्रमित करिथाई पारंती सेति पई साधारण लोकों को सचेतन करिवार कथा होउछि सामान्य रु सामान्यतम लक्षण देखा गले ताकु डिले न करी तुरंत डाक्टरंकर परामर्श नियंतु आवश्यक पड़े निजुक क्वारंटाइन रखंतु या ही मुख्य आम ए महामारी रो हिसाब निश्चय। डॉक्टर चौधरी, कारण जो भाई एभली मानसिकता रखुचंती लोक माने सेमानंक पई निहाते भाबे परामर्श दबा उचित कि जे सेमाने जहाँ भी किसी थंडा ज्वर होउचित सांगे सांग डॉक्टर को सहित जोगाजोग करंतु एवं आगो को जो भाई भाबे कोरोना संक्रमण वृद्धि न पाए एनेकरे सचेतन रहबा निहाती जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौधरी आम सह आलोचना करथिबार। देश में दिनक दिन भयंकर रूप ने कोरोना गत 24 घंटा मध्य 714 जन जीवन नहीं किलर भाइरस से चिन्हट हो 99,000 अधिक नुआ संक्रमित देश में 24 घंटा 714 जन मृत्यु पर कोरोना मृत्यु संख्या 1,64,110 को वृद्धि पाई से हीपरी गत 24 घंटा मध्य 99,129 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती एथसह मोट आक्रांतों संख्या 1,23,92,260 को वृद्धि पाई एजाए सुस्थ हेले 1,15,69,241 संक्रमित 6,58,909 कोरोना रोगी एवं भी चिकित्साधीन अच्छा गतकाल सुधा 7,30,54,295 जन टीका नहीं केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्ष सूचना दी। कोरोना को नहीं महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक गत किछि दिन हेब लगातार बढ़ी चली पॉजिटिव केस गत 24 घंटा मध्य केवल महाराष्ट्र रु चिन्हट होती 47,913 नुआ संक्रमित से हीपरी 481 जन जीवन नहीं किलर भाइरस नुआ 47,000 रु अधिक संक्रमित महाराष्ट्र में कोरोना आक्रांतों संख्या 29,04,600 में पहुंची से हीपरी 481 जन मृत्यु सह महाराष्ट्र एजाए 55,379 जन जीवन नहीं सारा कोरोना यहां ध्यान में रखी किसी स्थान में लॉकडाउन सह नाइट कर्फ्यू जारी कर राज्य सरकार से हीपरी आगु को कटकणा आहुरी कठोर करा जाई पारे।
विधानसभा प्रश्नकाल प्रबल हट्टगोल गृह बारटा जाए मुलतवी राज्यर सीमावर्ती अंचलगुड़िक सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने निम्ते बाचस्पति अध्यक्षतार एक कमिटी करने को रूलींग दावी करथिला विरोधी कांग्रेस यहाक नहीं गृह मध्यभाग में होहाला करथिले फलरे बाचस्पति गृह को बारंबार मुलतवी रखिथिले गृह चलाइबा बाचस्पति सर्वदलीय बैठक डाकिछन्ते सरकारी मुख्य सचेतकों कहिबा कथा पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश स्वतंत्र कमिटी रही किसी कमिटी गठन करार आवश्यक ना तथापि विरोधी निज जिद्रे अटल अच्छा सेपटे कोटिया और सीमावर्ती गांव में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में राज्य सरकार व्यापक कार्यक्रम हाथ को नहीं सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम मंत्री अशोक पंडा यह अंचलगुड़िक सामाजिक सुरक्षा योजन विभिन्न वर्ग यथा भिन्नक्षम बार्धक्य एड्स रोगी कुष्ठरोगी अविवाहित महिला भत्ता प्रदान मासिक 500 700 और 900 टंका पर्यंत भत्ता प्रदान वर्तमान सुधा जातीय सामाजिक सुरक्षा और मधुबाबू पेंशन योजन समुदाय 48,56,660 जन को सामिल करा चलित वर्ष सामाजिक सुरक्षा निमंते बजेट 1514 कोटी टंकार व्यवस्था करा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेला ए योजन समलिंगी को सामिल करा जाए सहायता कार्यक्रम जरिया सहायता प्रदान करा जाउछे संपर्क अधिक सूचना पाई सीनियर करेस्पोंडेंट महेश नंद महेश विधानसभा प्रश्नकाल आरंभ ही प्रबल हट्टगोल देखा मिलता वर्तमान अपडेट सूचना कौन आस देखु जदि आज प्रश्नकाल प्रथम पर्यायर स्वाभाविक चलता किंतु जहां मूल प्रश्नकर्ता रही है कंग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा और से जो सीमा बिवाद को लेकिन एक प्रश्न उठुला और संतोष सिंह सालुजा जहां जो प्रश्न रही जो सीमा बिवाद जहां रही सीमा बिवाद जो अंचल रही से लोक के बार्धक्य भत्ता सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण योजन जहाँ रही जो सामाजिक सुरक्षा योजन जो भत्ता रही से दि जाऊपर मंत्री जो उत्तर रखी मंत्री उत्तर जहाँ रही अंचल गुड़िक सब राज्य में कहे जो सामाजिक सुरक्षा योजना किन्नक्षम बार्धक्य एड्स रोगी कुष्ठरोगी अविवाहित महिला मान भत्ता प्रदान मासिक 500-700-900 टंका पर्यंत भत्ता दि जाऊ एवं जातीय सामाजिक सुरक्षा मधुबाबू पेंशन योजन समुदाय 48,56,660 जन को सामिल कर 1524 कोटी टंकार व्यवस्था कर चलित वर्ष आउ गोटे कथा मतलब कही जन्म ठू 6 वर्ष पर्यंत जो भिन्नक्षम शिशु को सामाजिक सुरक्षा योजन सामिल कर स्वतंत्र अभियान कर सरकार तेज सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण विभाग जो मंत्री सठिक उत्तर रखु विरोधी मैंने प्रतिवाद करते बाचस्पति 11:30 जाए मुलतवी रखी सीमावर्ती अंचल गुड़िक जो सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने विधानसभा बाचस्पति अध्यक्षतार गोटे कमिटी गठन करपर्क में बाचस्पति रूलींग देवा दावी करते विरोधी कांग्रेस और बीजेपी सदस्य मैंने जेहेतु हट्टगोल प्रथम जो 11:23 ही 7 मिनिट बाचस्पति गृह मुलतवी रखी और परवर्त समय जो 11:30 जाए गृह आरंभ होता सेतबेले पुनर्बार हट्टगोल आरंभ होबारु बाचस्पति सर्वदलीय बैठक डाकिले प्रथमे 15 मिनिट 11:45 एवं परवर्ती समय आउ 15 मिनिट अर्थात 12:00 जाए मुलतवी रही सर्वदलीय बैठक बसला और बर्तमान स्वाभाविक भाव में गृह कार्य चली प्रथम यहाँ विरोधी दल नेता राज्य में जो विभिन्न जो कर्मचारी जो ठिकाभित्तिक कर्मचारी से स्थायी करुक्ति दि जाऊ ए प्रसंग में विरोधी दल नेता शेखर दावी रखते हैं यहाँ पर कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र तांकर वक्तव्य रखुचे मार्च 31 तारीख धान भित्तिक शेष शेष तारीख था किंतु सबु चाषी धान उठी पार नहीं जदि सरकार 34 लाख चाषी को कालिया योजना दे कालिया योजना जो कालिया योजना हिताधिकारी अच्छा 34 लाख चाषी से सहायता दि जाऊ कि जो पंजीकरण कर धान बिक्री 14,72,000 पंजीकरण कर 11,92,000 चाषी धान बिक्री करते अवशिष्ट चाषी कुआ गले संपर्क में नरसिंह गृह बृत्ति जारी रखिंट महेश जेहेतु आज अधिवेशन शेष दिन बोली सूचना रही तो केते संभावना रही 2019-20 वर्ष सीएजी रिपोर्ट उपस्थापित होगा नहीं
देखो सीएजी रिपोर्ट जेहेतु गृह उपस्थापन हे और अर्थमंत्री उपस्थापित करेंगे और सीएजी रिपोर्ट जिते उपस्थापित होता है सीएजी कार्यालय तरफ एक सांबादिक सम्मेलन कर जो सामाजिक 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 एवं अर्थनैतिक क्षेत्र जो रिपोर्ट गुड़िक आए तार समीक्षा सीएजी ऑडिटर कर निश्चय बहुत बहुत धन्यवाद महेश आपण का सविशेष सूचना पाई। आगो के देखिबा अन्य खबर वर्तमान समय होइछे एक ब्रेक रा स्वागत ढेंकानाल रे बन कर्मचारी मानक धारणा बनाग्नि रोकिबारे बाधक साजिछे गतकाली मध्यान समय रे शहर को लागि रहितिबा पाणी ओहळा पहाड़ रे भयंकर निया लागिथिबा पळे एपळी असुविधा उपजिथिला राती तमाम हु हु होई जळुथिला जंगल तेबे निया को रोकिबा पई बन कर्मचारी नथिबारो आगो को आसीथिले स्थानीय युवक हाथ में गच डाल धरी निया को आयत करते एने पा ओहला पहाड़ अधिक सूचना देम प्रतिनिधि आशीष रंजन शतपथी गोटे पटे जदि कह तबे धारणा रे बसी सदर रेंज रे जो रही सतुरी वन कर्मचारी किंतु एपटे घो घो हो जलुची सहर को लगि रही पाओला पहाड़ देखा चाहिए बर्तमान आम अच्छा पाओला पहाड़ जो मझी अंचल अच्छा देखिपुँ ये किभली भाव में भयंकर निया लगी जो निया रही ये दिन बेलू लगी अनुमान कर जो पहाड़ तल अंचल नहीं जो मझी अंचल पर्यटन विशेष भाव में निया लगी चतुर्दिगर यह भाव में निया लगी अधिकांश जो रही औषधीय गच रही पोड़ी पाउँस हो सारा और किसी मूल्यवान गच पड़ सारा वन विभाग जदि कह तेज किसी कर्मचारी पहुंची जो मैंने ब्लोअर मेसीन धरी निभा कार्य नियोजित अच्छा सहित स्वेच्छासेवी संगठन भाव में बजरंग क्लब सामिल होमती कौन निभा कार्य चलती भाई पाखापाखि तीन घंटा चार घंटा पर्यटन आम चेष्टा जारी रखीचु कितु जो भाई जंगल निया धरी बोधे 200-300 जंगल कर्मचारी आवश्यक बेले मात्र से चार पाँच जन ही अच्छा से समुद्र को संखे पड़े तेणु आम 40-50 स्वेच्छासेवी बजरंग क्लब तरफ आसिक चेष्टा जारी रखीचु एवं निया कि मात्र आयत को आसी किंतु तथापि जंगल में भयंकर निया लगी दयाकर लोक मूँ अनुरोध करूँ लगा जंगल जो मैंने जीवजंतु रही अकाल मृत्युवरण कर दयाक निज निज पारिपार्श्विक अंतर लगे निया को आपड़ आयत आने को चेषा करूँ आम पाखे बर्तमान दुईटा ब्लोअर अच्छी से ब्लोअर साहज में निया लिभ तापर आसिक पाख बजरंगी क्लब पिला आसी सहयोग कर 80% हो गला खाली जस्ट एवं फायर लाइन करदे कि जोर नि जल जोटा कि फायर लाइन डे गला चेस्टा करें कंट्रोल करने निति भाव में ब्लोअर मेसीन दुईटा रही जहाँ कहते जे रही फॉरेस्ट गार्ड अच्छा प्रतिक्रिया रखुते ब्लोअर मेसीन जेहेतु दुईटा रही मात्र तो ताकूम कर निभापी बर्तन प्रचेषा जारी रही देखिपे किभली भाव में भयंकर निया लगी जो मैंने भी भूल वशतः निया को लगोचंते निश्चित भाव से धरवाक वन विभाग प्रयास कर आवश्यकता रही निया लिभेबा कार्य वन कर्मचारी जी मात्र आगक आसुच्च सहित समताल बजरंग क्लब आगक आसी बर्तमान तीन घंटा धरी से आयत्त करने चेष्टा करते ढेंकानाल पाणीओहला पहाड़ आशीष रंजन शतपथी न्यूज 18 ओडिया। संबलपुर सरकारी होमियोपाथी कॉलेज रे रागिंग माझीपाली स्थित सरकारी होमियोपाथी कॉलेज रु आसी रागिंग अभियोग कौनसी एक कारण को नहीं कॉलेज रो चारि जन छात्रों रागिंग करा जायथिबा नै दिल्ली स्थित आंटी रागिंग सेल रे अभियोग होइछे एने कॉलेज अध्यक्ष को आंटी रागिंग सेल रु चिट्ठी आसीबा परे कॉलेज पक्षरु एक टीम गठन करा जाय एहार तदंत करा जाउछे तबे केउ परिस्थिति रे छात्री मानु को रागिंग होइछे ताहा स्पष्ट होइ नाही। ଏଇଟା ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବିନି ଆମର ପାଖେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ହଠାତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଟି ରେଗିଙ୍ଗ ସେଲରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ତ ଆମର କଲେଜର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ରେଗିଙ୍ଗ ସେଲ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉଟକମ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଅଭିଯୋଗଟା ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ରେଗିଙ୍ଗ ସେଲ୍ରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ରେଗିଙ୍ଗ କରାହେଇଛି ବୋଲିକରି କୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ନା ଫାଁ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଛୁ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଆମକୁ पूरा मेल सामने कर फोन कॉल टे आ फोन कॉल रे आमको आसी जे आमको रेगिंग कराई बोलिकी
ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଇନକ୍ୱାରି କରୁ ଆଉ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମୋରାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ଦଉନ ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟଟା ଦଉନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ଫର୍ମାଟ୍ ହିସାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋର ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଅମାନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ତେବେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଏହି ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକ ଘରକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୂର୍ବ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଉଁଶରେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଏମିତିକି ଅପରପକ୍ଷର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଯୌତୁକ ଜନିତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୋ ଝିଅ ବିବାହରେ କରିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ବିବାହର ବର୍ଷକ ପରେ ସବୁକିଛି ଭାରତର ଭଲମନ୍ଦ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାରେ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଦାବି କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିବେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଡିଏସ୍ପି ପାଖରେ ଯାଇ ବସିବି କିରାସିନ ବୋତଲ ନେଇ ମୁଁ ପଡ଼ିବି ମୁଁ ନିଆଏ ଚାହେଁ ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକ 6 ଜଣ ଯାଇ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ମାଡ଼ବେଳେ ଜୋର କଲେ ମାଡ଼ବେଳେ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା ଚିତ୍କାର କଲା ଆମେ ପୋଖରୀରେ 3 ଭାଇ ମୋ ପୁଅ ଆମେ ଜାଲ ଟାଣୁଛୁ ଆମେ ଶୁଣିକରି ଗଲୁ ଆମେ ଖାଲି ଯାଇ ପଚାରିଲା ଭିତରେ ସେ ପଛରୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଆମକୁ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ ମୋ ଭାଇର ଫଟେଇଦେଲେ ମୋର ଜୋର ଫଟେଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମାରିବାରୁ ତାକୁ ତା ପିଲାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାକୁ ବୁଝେଇଛୁ ବହୁତ ଯାଇକି ଶାଶୁଘର ଲୋକକୁ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମାଜସେବୀ ଜୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟେ କୋର ଗାଁରେ ଏ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି କେବଳ ମାଡ଼ ମାରି ନାହାନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ କରି ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ମିଶିକି ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଠୁ ବଳି କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଠି ଥାନା ପୋଲିସ ସବୁ ଥାଇକିରି ଆଇନଟାକୁ ସେମାନେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆଇନ କାନୁନ ବିଧି ବିଧାନ ସବୁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଇନଟାକୁ ହାତକୁ ନେବାର କୌଣସି ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ତ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା କଥା ଏବଂ ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା କିଛି ନା ଉଲଗ୍ନ କରିକି ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଭଳି କଦଳୀ ମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡାମ ଏଭଳି ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଏଭଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ମହିଳା ମହିଳାଙ୍କୁ ହିଁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ନେଇକି ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଯେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଯୌତୁକ ଜନିତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳା ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କୋପରେଟ କରୁଛନ୍ତି ନୋ ଡାଉଟ୍ ହୁଏତ ସେ ମହିଳା କିଛି କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିଥିବେ କି ସେଭଳିଆ କିଛି କୁତ୍ସିତ କାମ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଏମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାର କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଟା କୌଣସି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ଯେତେ ବଡ କ୍ରାଇମ କଲେ ବି ଆମର ଆଇନ ଅଛି ପୋଲିସ ଡାକିବେ ଥାନାବାଲାକୁ ଡାକିବେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେଇବେ କି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖିକି ଦେବେ ଏମାନେ ତାକୁ ହାତକୁ ନେଇକିରି ମାନେ ଗରିତ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି କ୍ରାଇମ କରିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟେପ ନବା କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ ନବା କଥା କାହିଁକି ଏମାନେ ବହୁତ ଗରିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କ୍ରାଇମ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେୟା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଏମାନେ କିଛି ଛୋଟ କ୍ରାଇମ କରିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ବେଶ ବଡ କ୍ରାଇମ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇକିରି ମାରିଛନ୍ତି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ବହୁତ ବଡ କ୍ରାଇମ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କଲେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଭାବେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆହଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ରଖାହଉଛି ଯୋଉ ଭାବରେ ରଖାହଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ରଖିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଥିରେ ସମାଜସେବୀ ଜୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ
आगु देखिबा आउ किछि खबर वर्तमान नै जिबा आउ एक ब्रेक न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक